पहन रखे थे, प्रभु के पवित्र प्रकाश ने उनको ढक रखा था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो पवित्र प्रकाश जो है उनके पास चला गया और वो अपने आपको पहचान गए कि भाई हम नंगे हैं और झाड़ियों के पीछे छिपे। सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण सारांश आपको समझा रहा हूं। तो पीछे छिप गए तो प्रभु ने देखा कि अरे ये लोग छिप रहे हैं, तो प्रभु ने उनसे बात की कि तुमने पाप किया, तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज मैं देखता हूं, लिखा है तब यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आज आपके विरोध में कोई काम करे, आपका पर्स लूट ले, आपका सोना चांदी लूट ले, या आपको अहित करे, आपके आपके लिए बुरा बोले, बुरा कहे, आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति को बाहर निकाल देंगे, आप उस व्यक्ति से कभी मुड़कर नहीं देखेंगे, ये मनुष्य। लेकिन बाइबल कहती है कि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की महिमा के विरोध में पाप किया, तब भी परमेश्वर ने उनकी नंगता को ढक दिया। आज समाज में क्या हो रहा है? अगर कोई एक व्यक्ति गिर जाता है, कोई व्यक्ति निराश है, दुखी है, किसी का बच्चा फेल हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी का घर टूट गया, किसी का बिजनेस फेल हो गया, या कोई हार गया, या कोई बीमार हो गया, लोग उन पर कृपा नहीं करते, उनकी कमी को छिपाते नहीं, ढकते नहीं, बल्कि और लोगों को बताते हैं। फरीसी लोग पत्थर मारते थे, हमारे लोग व्हाट्सएप मारते हैं। बताओ सबको, वो फेल हो गया, सबको बताओ, उस व्यक्ति ने ऐसा कर लिया, उसके संग ऐसा हो गया, सबको बताओ। ये हमारा समाज है। यीशु मसीह सार में इसलिए नहीं आए कि हम एक दूसरे को कोड़े मारे, एक दूसरे को पत्थर मारे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हम एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की शक्ति बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें।